जो मिस्टर बीस्ट है ना, ये अपने मतलब के लिए इंडिया आया था यार। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, अगर मैं भी गलती से उनसे मिल लेता, अगर मेरे को बुला देते तो मैं ये बात नहीं बोलता, लेकिन मेरे को बुलाए नहीं, मेरी जली है। यार दोस्तों, मेरे को लगता है आप मेरे को साइंटिस्ट बुलाइए यार। हार्पिक है, हार्पिक ही प्रिंट चमका दिया यार इसका। मेरे को समझ नहीं आई ये हार्पिक। असल में क्या होता है ना कि इसमें एसिड होता है, मैं जब इस पर डाला ना, इस पर पूरा सीमेंट लगा हुआ था, और पूरा सीमेंट था ये पूरा छिट्टा, लेकिन तुरंत एक सेकंड में हार्पिक डालते ही छूट गया। अब देखो मैं ये एक नया आविष्कार कर चुका हूँ। नहीं, रोनित आइंस्टाइन बुलाना शुरू करो, रोनित राजी बुलाना शुरू करो यार। मैं फ्री में इसका स्पॉन्सर करूंगा अभी तो मैं हार्पिक का स्पॉन्सरशिप करूंगा, लाल बाथरूम के लिए, नीला टॉयलेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मैं ऐसे साफ करूंगा ना तो उतना साफ नहीं होगा, ये उतना साफ नहीं होगा। देखो ये पानी भी मार के दिखा रहा हूँ, ये देखे कैसा हुआ। लेकिन अभी मैं देखना इस पे हार्पिक डाल के उसके बाद दिखाता हूँ। ये देखो हल्का हल्का, बस हल्का हल्का एक चीज देख रहा हूँ। ये देखो ये रिएक्ट कर रहा है भाई इस पे जाके, ध्यान से देखो ये रिएक्ट कर रहा है इस पे। साइंटिस्ट हूँ मैं। देखो ये है कंडीशन आफ्टर हार्पिक यूज। तो अब मैं भारत सरकार से बोलना चाहूंगा, मेरे को पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न सबसे सम्मानित किया जाए। मैं कल खाली हूँ, मैं कल सारा अवार्ड कलेक्ट कर सकता हूँ, तो सरकार फोन करिए। और मैं हार्पिक कंपनी को बोलना चाहूंगा, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों पार्टनर बन जाएं। मेरा आइडिया, आपका पैसा। और आप व्यूअर्स, आप मेरे को नाम से नहीं बुलाना, साइंटिस्ट आगे लगा कि उसके बाद मेरा नाम पुकारना, मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस बात में सच्चाई भी है यार कि मिस्टर बीस्ट अपने मतलब के लिए इंडिया आए थे। पता है मिस्टर बीस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि जाऊंगा एकदम बढ़िया से तरीके से अपना एकदम ब्रांड का एकदम चॉकलेट प्रमोट कर दूंगा, धकाधक 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 बिकने लगेगी चॉकलेट। इंडिया के लोग दाल में बोर के रोटी नहीं खाएंगे, उनका चॉकलेट बोर के खाएंगे। मिस्टर बीस्ट अगर तुम मेरे को भी बुला हो तो मिलने के लिए, तुम ऐसी बातें नहीं करता, मेरी जली है, जली है, जली है। इंटरनेट पे ये वाली बात बहुत जोर शोर से चल रही है, वो अपने मतलब के लिए आए थे, नहीं वो अपने मतलब के लिए नहीं आए थे। इतना क्रिएटर्स नहीं लड़ रहे हैं उतना तो उसमें जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लोग लड़ रहे हैं। एक कमेंट्स में देखा, उसमें लिखा हुआ था भाई मिस्टर बीस्ट बहुत मतलबी आदमी है यार, वो अपने मतलब के लिए इंडिया आया था। तो एक दूसरा उसको रिप्लाई करता है, भाई मिस्टर बीस्ट इतना अमीर आदमी ना कि तेरे को खड़े खड़े खरीद लेगा। फिर वो उसको रिप्लाई करता है, भाई क्यों बैठा रहूंगा तो नहीं खरीद पाएगा क्या। ज्यादा वीडियोस में नहीं मजा आ रहा, ज्यादा कमेंट्स पढ़ने में मजा आ रहा है। तुम रील्स देखना, खोलना, उसमें इतने सैवेज सैवेज रिप्लाई दिया जाता है ना लोगों। कोई बोल रहा है कि मिस्टर बीस्ट की जो चॉकलेट हो बहुत ज्यादा महंगी है, तो एक आदमी उस कमेंट्स के नीचे रिप्लाई करता है, भाई मुझे सस्ती चीजें खरीदने की आदत भी नहीं। तुम कौन हो यार, तुमसे कोई पूछा सस्ती चीजों की आदत भी नहीं। ऐसे ही आदमियों का अंडरवियर 10 जगह से फटा रहता है, नीचे छेद रहता है 10-20 को। लेकिन अमीरी इतना पे लेंगे ना वो लोग। बात तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि अंबानी को अपने घर में नौकर रखे हुए। एक कमेंट्स मैंने वीडियो के नीचे देखा, वो लिखता है मिस्टर बीस्ट भले ही उसके पास 300 मिलियन सब्सक्राइबर है, भले वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर है, लेकिन उससे ज्यादा पैसा अंबानी के पास है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है जो इन दोनों लोग को कंपेयर कर रहा है। तो मुकेश अंबानी मिस्टर बीस्ट से अमीर है, तो मतलब किसी भी तरह इंडिया को ऊपर, मतलब किसी भी तरह दिखाई देना है ना, जो एकदम देशभक्ति वाली बात आ जाती है यार यहाँ पे। लोग किसी भी तरह इंडिया को किसी न किसी तरह से अपने मुंह के कटाक्ष से एकदम किसी भी तरह बात बोल के इंडिया को नंबर वन बात ही से लेके जाना है। तुम ऐसे लोगों से बोलोगे ना, भाई मिस्टर बीस्ट के पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है दुनिया में, तो पता है वो लोग क्या बोलेंगे? अगर कैरी मिनाटी और टी सीरीज को जोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा हो जाएगा। नहीं, वो तो हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का? मतलब नंबर वन किसी भी तरह दिखाना है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। हो लग दी तू अंबरा दी आई सोड़िए, टग दी तू सुर तपलाई सोड़िए, तेरे किदे चिते रहम नार बिलो अख द पर। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये क्या था, अबे गाना था यार। यार सोच रहा हूँ इंडियन आइडल जाऊँ, इंडियन आइडल की फाड़ के रख दूँ। इंडियन आइडल वालों एक गाना गा रहा हूँ, लेना तो लो, नहीं तो जाओ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का सुबह पे सवाद रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या बेलिया।
मेरे को पता है ये लोग इस पे कॉपीराइट ऑपीराइट क्लेम दे ही देंगे। इतना तगड़ा गाइस दिया हूँ, समझ रहे हो, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यार मैं जब गाना गाता हूँ तो। और ये कुछ लाइन मेरे दोस्त के लिए, गधे के लानो कांत में रहना तू, मैं पैसे लौटा मेरा पैसा जो लिया है पैसे लौटा नहीं रही, गाना गाऊं उनके लिए मैं। 78 रुपए हो गए अभी, 77 रुपए पहले बताया था, इंटरेस्ट नहीं जोड़ूंगा क्या यार। मैं देखता हूँ अमेरिका में मिस्टर बीस्ट सबसे पूछते रहते हैं कि तुमको कितने पैसों की जरूरत है, रोड पे 14-15 हजार डॉलर दे देता है भाई। गलती से एक बार मेरे को कहीं मिल जाए ना और मेरे से पूछ ले कितना पैसों की जरूरत है तुमको, मैं एक ही बात बोलूंगा, कितना है आपके पास। गानों के साथ क्या होता है ना कि आप गाना गाते गाते उस फ्लो में निकल जाते हैं कि आप गलत गाना भी गा लेते हैं लेकिन आपको लाइन पूरी करनी रहती है। जैसे कि ये वाला गाना सुनो, गाना नहीं है एक रैप है, जैसे सुनो। जब मेरे साथ थी वो मेरी खास थी वो, मेरा शूटर मेरा पैसा मेरा घास थी वो, मनाली मनाली तू दिखती माधुरी, मेरे मुंह में है गाली, मैं ऊंचा समंदर तू बहता हुआ पानी। इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरे को उस चीज़ को कंप्लीट करना, इसकी वजह से मैं कुछ भी बना के बोल दे रहा हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी बकवास की बातें की, बकवास ही है, बकवास टॉक एक तरह से समझ लो यार। अगले मजा वीडियो, बाय।